N24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर में बता दें आपको, 15 मार्च से बंद हो जाएगी रक्सौल बॉर्डर से आवाजाही। बता दें, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित रक्सौल बॉर्डर को 15 मार्च से पूरी तरह बंद कर देने का फैसला लिया है। रविवार के दिन से कोई भी आदमी यात्री रक्सौल बॉर्डर से ना ही नेपाल जा पाएंगे, ना ही नेपाल से भारत आ पाएंगे। गृह मंत्रालय ने देश के 20 बॉर्डर को सील कर देने का आदेश जारी किया है। बता दें कि ये आदेश केवल यात्रियों के लिए है, यानी आने जाने वाले लोगों के लिए। जानकारी दे दें कि रक्सौल बॉर्डर के रास्ते नेपाल को सामान भेजे जाते हैं, लिहाजा मालवाहक वाहनों पर रोक नहीं लगाई गई है। भारत के 20 बॉर्डर जिन्हें सील करने का आदेश दिया गया है, उनमें नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार है। इन देशों से लगी 20 सीमाओं को सील करने का आदेश दिया गया है। रक्सौल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के सनौली, पश्चिम बंगाल के रानीगंज सीमा को भी सील करने का निर्देश जारी किया गया है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को लेकर ये फैसला लिया है। बता दें कि सरकार पहले ही हवाई मार्ग से आने वाले विदेशियों को वीजा कैंसिल कर आने पर रोक लगा चुकी है। अब एहतियातन विदेशों को जोड़ने वाले सड़क मार्ग को भी सील किया जा रहा है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तरफ से ये अहम फैसले लिए गए हैं, जो सावधानी को मद्देनजर रखते हुए देश के लोगों के हित में हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।